रेडमी नोट 13 प्रो इस फ़ोन पर अगर आपको फ़ोन को चेंज करना है तो कैसे आप कर पाएंगे। इस फ़ोन पर फ़ोन को चेंज करने के लिए ओपन करना होगा सेटिंग्स को। तो सेटिंग्स पर आपको मिलेगा डिस्प्ले एक ऑप्शंस मिल जाएगा। डिस्प्ले ऑप्शन पर आपको मिलेगा फॉन्ट एक ऑप्शंस मिल जाएगा। तो फॉन्ट ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोन पर जो फॉन्ट का जो स्टोर ओपन हो जाएगा। जैसे जो फॉन्ट को आपको सेट करना है उस फॉन्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। फॉन्ट सिलेक्ट होने के बाद आपका फ़ोन पर वो फॉन्ट पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोडिंग होने के बाद आपका जो फ़ोन है उस फ़ोन पर आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई बटन पर प्रेस करना होगा, नहीं तो आपका फ़ोन पर वो थीम अप्लाई नहीं होगा। तो अप्लाई पर प्रेस करने के बाद आपका जो सेट है वो सेट रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद आपका फ़ोन पर वो फॉन्ट सेट हो जाएगा। देखिए ये जो सेट है इस सेट पर फॉन्ट चेंज हो चुका है। इस प्रकार आप फॉन्ट को चेंज कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपका हेल्प हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको फ़ोन को ओरिजिनल जो फ़ोन था जो डिफ़ॉल्ट फ़ोन था उस फ़ोन पर अगर आपको सेट करना है, उस फ़ोन को फिर से अगर आपको सेट करना है तो थीम स्टोर एक ऐप मिल जाएगा। तो थीम स्टोर ऐप को आपको ओपन करना होगा। थीम स्टोर ऐप ओपन होने के बाद नीचे मिलेगा आपको प्रोफाइल। प्रोफाइल पर प्रेस करके आपको मिलेगा फॉन्ट। फोन पर आपको प्रेस करना होगा तो फोन पर प्रेस करके आपको रोबोटो को सिलेक्ट करना होगा तो आपका फ़ोन ओरिजिनल फोन पर आ जाएगा।